हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक कनेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोको प्रिंट ऐप से पीडीएफ या फोटो का साइज छोटा या बड़ा कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाओगे कि जो नोको प्रिंट ऐप होता है उससे हम पीडीएफ का साइज छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ प्रिंट निकालते हैं तो वो एकदम एक्चुअल साइज़ में निकलता है, लेकिन अगर हमें वही साइज छोटे वही पीडीएफ हमें छोटे या बड़े आकार में निकालनी है तो किस तरह से उसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं एक पीडीएफ ले लेता हूँ, एक फाइल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ से एक पीडीएफ ले लिया है जिसे मैं ओपन करता हूँ नोको प्रिंट ऐप में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐप ऑप्शन है जहाँ से हम पीडीएफ का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने जो एक प्रिंट निकाला था जो पीडीएफ का साइज़ छोटा है इसमें। तो देखिए, आप सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, इसमें एक ऑप्शन होता है साइज एंड लेआउट ऑप्शंस, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है पेज स्केलिंग। देखिए, अभी जो आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में जो पेज देख रहे हैं वो 35% पे है। अगर हमें यही बड़ा साइज़ करना है, जैसे कि मेरे को 100% यानी जो एक्चुअल साइज़ होता है वो लेना है, तो देखिए ये इसका एक्चुअल साइज़ है, आप देख सकते हैं एक्चुअल साइज़ ये होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो हम पीडीएफ का साइज़ लेते हैं छोटा या बड़ा करते हैं तो वो कहाँ से करेंगे। तो देखिए, सेटिंग में जैसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज एंड लेआउट ऑप्शंस, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से इसमें ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में जाना है पेज स्केलिंग। आप देख सकते हैं दोबारा पेज स्केलिंग, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको किस पोजीशन में लेना है, किस कितने परसेंटेज में आपको पेज रखना है वो आप यहाँ से पेज कर सकते हैं। 20%, 50%, आपको जो भी कुछ करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, इतना तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। देखिए, अब मैं इसे 60% कर लेता हूँ तो देखिए साइज कितना बड़ा हो जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा हो गया है। तो आप इस तरह से पेज का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं जो आप पीडीएफ होती है। हाँ, मैंने इसमें एक चीज़ बताई, अगर आपके पास फ़ोटो है अगर फ़ोटो को अगर हमें छोटा या बड़ा करना है तो देखिए मैंने अपनी फाइल से एक फ़ोटो लिया, ठीक है, ये फ़ोटो है। अगर इसका साइज हमें छोटा या बड़ा करना है, जैसे कि मैं पहले जाता हूँ ऑप्शंस में जाऊँगा मैं, ठीक है, यहाँ से शेयर करूँगा। अब मुझे कहाँ जाना है, नोको प्रिंट ऐप में, नोको प्रिंट ऐप में मैं गया यहाँ से, थोड़ा प्रोसेस लेगा दोस्तों। देखिए, जैसे ये ओपन होगा तो अभी आप देख रहे हैं इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जैसे ही मैं फिर से इसकी सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ से ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद इसमें आएगा फिर वही साइज एंड लेआउट ऑप्शंस, ठीक है, क्लिक करेंगे। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है ऑप्शन, इसमें आएगा इमेज साइज, क्योंकि ये इमेज यानी कि फ़ोटो है, इसलिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, हमें किस ऑप्शन में आपको ये फ़ोटो रखना है। तो फ़ोटो जैसे मैं ले लेता हूँ 9x30। देखिए, इस तरह से आप फ़ोटो का भी साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबा दें। और मैं बहुत सारी ऐसी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।